नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी में किसानों का प्रदर्शन, हाईवे पर दिया धरना, उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आज बिलारी में मुरादाबाद अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन असली हरपाल सिंह के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिलारी राजबहादुर सिंह को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि इस सत्र का गन्ना रेट तय किया जाए तथा गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल 10 फरवरी 2022 तक किया जाए। अगर उक्त तारीख तक गन्ना रेट नहीं बढ़ा तो एक बड़े निर्णायक आंदोलन के लिए किसान बाध्य होंगे। इसके अलावा बिजली संशोधन बिल 2022 वापस लिया जाए, किसानों के ट्यूबवेल पर लग रहे प्रीपेड मीटर को तत्काल हटाया जाए, किसानों के खेतों में आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान के संबंध में तत्काल समाधान किया जाए, गन्ने से उत्पादित होने वाली चीनी के अलावा अल्कोहल, बिजली, मैली आदि में किसानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन देने वालों में संगठन के महासचिव महक सिंह, ऋषभ चौधरी युवा प्रदेश अध्यक्ष, चौधरी शिव सिंह तहसील अध्यक्ष, सतीश ऋषि पाल सिंह, होशियार सिंह, विजेंद्र सिंह, सुरेश यादव, शिशुपाल सिंह यादव, सियाराम यादव आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। अरे तहसीलों में चले जाओ आप, तहसीलों में क्या है, आप जाके देखो, लोन ले रखा है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए लोन किसी किसान को लिख देते हैं। ये किसान इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बकायेदार है, लिख देते हैं। आपने देखा होगा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बकायेदार है। बकायेदार तो भारत का वो भी है विजय माल्या, तमाम तरह के मोदी चले गए, ललित मोदी, नीरव मोदी, जो 12-12, 15-15 हजार करोड़ रुपए लेके हमारा देश से भाग गए। क्या बोलिए, बकायदा तहसीलों में और लिखा होता है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बकायदा। अरे सरकार ये भी तो बता दो, यहाँ पर जितने भी बकायदारों के नाम लगे हुए, 2.5 लाख रुपए अगर किसी बाप ने किसान के लिया है, अपना बेटा फौज में भी भेजा होगा इनमें से किसी ने। यात्रा को क्लियर करके धन्यवाद, कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, मेरा नाम महक सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन असली अरंती का राष्ट्रीय महासचिव। तो आज के संबंध में ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा, ये जो वर्तमान गन्ना पेराई सत्र है इसे चलते हुए 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। हम लोगों को अभी यही नहीं मालूम कि गन्ना किस रेट जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार गन्ने का भाव सरकार जल्दी से जल्दी घोषित करे।